रुक जाओ मैडम। तो भाई ये देख लो लेक के झील की नज़ारे, ये देख लो झील, मोबाइल को जल्दी पड़ी है। ठीक है सर, तो भाई फाइनली अपना हो गया काम ख़त्म और निकल चुके हैं अपने मंजिल की तरफ। काफ़ी दूर आए थे हम लोग, 19 किलोमीटर दूर यहाँ पे। तो GoPro का अपना एक बैटरी हो गया ख़त्म, दूसरा बैटरी यहाँ पे हमने लगा ली है। तो लगभग 2 घंटे का रिकॉर्डिंग हमको यहाँ पे करने को मिला। भाई ये रहा भाई कमनहली, कमनहली तक हम लोग पहुँचे थे। तो आज संडे होने की वजह से थोड़ा सा दुकान यहाँ पे बंद ही है। और ये रहा भाई पहला जाम अपने को यहाँ पे मिल गया, पहला सिग्नल, शुरुआती बोनी हो गई सिग्नल की। भाई गाड़ी चलाना ना काफ़ी मुश्किल काम है, लोग बोलते हैं बाइक चलाना मतलब चपरियों की तरह से अगर चलाते हो तो सही है, अगर आप जेन्यून टाइप से अगर अपने नॉर्मली चलाते हो अपने हिसाब से तो थोड़ा सा मुश्किल रहता है आगे पीछे देख कर। चपरी की तरह अगर चलाना है तो ये मुश्किल काम नहीं है। तो इतने सारे लोग यहाँ पर सिग्नल में रुके हुए हैं और ये लोग देखो कैसे यहाँ से राइट ले रहा है। भाई सिग्नल हो गया ओपन यहाँ पे अपना, और ये गांव की रास्ता है यहाँ पे, मतलब गांव है शहर पता नहीं, हल्का सा गांव और शहर दोनों मिक्सिंग है यहाँ पे। पर मोटर ब्लॉगिंग के दौरान क्या क्या बातें होती है इतना तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ यहाँ पे, एडजस्ट कर लेना यारो। और भाई यहाँ पे आगे जाके लेफ्ट लेना है, मुझे याद है क्योंकि कई बार मैं आ चुका यहाँ पे, इस अभी मिला के 4 बार हो गया यहाँ पे। तो क्या नाचो मैं? तो ये 4 बार टाइम है, तो हो गए शुरू ट्रैफिक की यहीं से। तो भाई अंडरपास तक पहुंच गए चुके हैं, ये रहे अंडरपास, हेरा थुके जाता ना थुकने। स्कॉर्पियो पुरानी मॉडल काफ़ी बढ़िया थी यार, ये भी गाड़ी इतनी ख़राब गाड़ी नहीं थी, देख लो भाई पुरानी स्कॉर्पियो भी बहुत तहलका मचाई हुई थी। भाई आ गया अचानक, रुक जाओ मैडम। तो भाई 3:50 हो गया टाइम, हम लोग निकले थे 1 बजे,
और मतलब 4 बज गया लगभग, पहुँचते पहुँचते 5 हो जाएगा। चलो भाई हो गया सिग्नल ओपन, तो लेना है अपने को यहाँ से लेफ्ट। तो ये लगा है बनसवाड़ी क्यारपुरम है बला। लास्ट टाइम आया तो ये रास्ता यहाँ पे हो रहा था रेडी, और फाइनली ख़त्म हो गया रास्ता, रेडी हो गया यहाँ पे, और चलाने के अब काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई, काफ़ी बेहतरीन रास्ता हो गया यहाँ पे। और अपनी बाइक से एक आवाज़ आ रही है टक टक की, कि ये किस चीज़ की है पता नहीं, लगता है चेन स्पॉकेट ख़राब हो चुका है इसका। लोग यहाँ पे कर रहे हैं झगड़ा अपना, भाई भाई संडे का दिन सब लोग पी पा के निकल जाते हैं रोड पे गाड़ी लेके, तो ये तो होना ही है। अरे तेरी, तो ये अभी रहा काफ़ी शानदार रास्ता अभी तक का, काफ़ी फ्री वाला रास्ता और ब्यूटीफुल रास्ता। ऊपरी वाले भाग तो पूरा भरी हुई यार खचाखच, तो भाई अभी सूर्य देवता की आगमन हो चुका है यहाँ पे, सूर्य देवता निकल चुके हैं। तो अभी थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी कैसा आ रहा है थोड़ा बताना यार कमेंट में। तो हम लोग हो चुके हैं अभी वापसी, वापसी में भी करते हुए मोटर व्लॉगिंग। तो ये हम कहाँ पहुँचे पता नहीं, बार मुझे खुद को भी पता नहीं है। लेकिन काफ़ी खाली खाली रास्ता है आज वापसी में, तो मेट्रो की यार रोडें बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं। आज संडे होने की वजह से काम बंद है। ओ भाई जिसकी डर थी वही हुआ, हो चुका है आगे जाम। सड़कें क्यों भीगी हुई है यार, कस्तूरी नगर। ओके तो ये भाई कस्तूरी नगर है, तो यहाँ पे हो चुकी है भाई स्लो स्लो गाड़ियों की, गाड़ी स्लो हो चुकी है यहाँ पे, ट्रैफिक का अपना यहाँ पे हो गया स्टार्ट। अब घर पहुँचते पहुँचते कितना टाइम होगा पता नहीं है। चलो भाई चलो, अब आया ना भाई ड्राइविंग का मज़ा, क्योंकि यहाँ पे ना ट्रैफिक नहीं है, अभी खाली खाली रास्ता है यहाँ पे। वो तेरी
लेकिन रास्ता खाली होने से क्या फायदा नहीं है, खड्डे खड्डे। तो भाई ये देख लो लेक के झील की नज़ारे, ये देख लो झील, मोबाइल को जल्दी पड़ी है। तो भाई केरपुरम पहुंच चुके हैं फाइनली, अब केरपुरम, अब ये देख लो भाई, भेड़ की बात करो तो कुछ ऐसा नज़ारा यहाँ पे देख लो। शुरू हो गया तुम्हारा कल्याण, हो गया हमारा कल्याण, यहाँ पे शुरू हो चुका है ट्रैफिक। भाई 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 इतनी भीड़ भाड़ भाई, और तेरी ट्रैफिक देखते ही डर लग रहा है। ओहो हो, चलो रुक जाते हैं, चला जा रहा है बस वाले भैया।